हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह कुछ अच्छे लेवल्स जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी के उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ में ये डिस्कस करेंगे कि इन लेवल्स का हम यूज़ कैसे करें अगले वीक। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमेशा की तरह वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम जंप करेंगे लेवल्स की तरफ। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल मार्केट का जो मूड है वो लास्ट हफ्ते डिसेंट रहा है। अगर आप यूएस की मार्केट्स को देखोगे तो फ्राइडे भी वो पॉजिटिव टेरिटरी में ही क्लोज हुई है। तो एक डाटा आया था सीपीआई का यूएस का पिछले वीक जो डिसेंट था, तो उस कारण फेड कट जो रेट कट होने वाले हैं उसकी थोड़ी होप्स आ गई हैं। थोड़ा स्टेबल था मार्केट लास्ट वीक, हमने भी रिबाउंड किया और थर्सडे एक नया ऑल टाइम हाई भी लगाया। एक्सपायरी वाले दिन काफ़ी अच्छी स्पाइक आई निफ्टी में और काफ़ी स्ट्रांगली हम बंद होके गए हैं 25,000 के ऊपर, बल्कि 25,250 भी गेन कर लिया है। फ्राइडे का दिन कंसोलिडेशन था हमारे लिए। निफ्टी जस्ट 7 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी 158 पॉइंट पॉजिटिव को क्लोज हुई है। बट बैंक निफ्टी में हल्का सा कंसर्न ये है कि 52,000 52,000 के इम्पॉर्टेंट लेवल के नीचे बंद हुई है। बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग लग रहा है। 52,500 का लेवल मुझे लगता है अगले वीक आ जाना चाहिए और वो बड़ा क्रूशल लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए। उसका ब्रेकआउट बैंक निफ्टी को नए ऑल टाइम हाईस की तरफ ले जा सकता है। और एचडीएफसी बैंक भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के वर्ज पे है। तो एचडीएफसी बैंक का अगर ब्रेकआउट होता है तो निफ्टी 52,500 का ब्रेकआउट होपफुली कर पाएगी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है निफ्टी का। आप देखोगे तो जो 13 ईएमए में गिव अप किया था लास्ट वीक उसे रिगेन कर लिया, नया ऑल टाइम हाई लगा दिया। 25,000 25,250 दोनों के ऊपर है। बैंक निफ्टी भी 13 ईएमए के ऊपर है। 52,000 का लेवल है, इंपॉर्टेंट है। बट अगर एचडीएफसी बैंक का जो ब्रेकआउट पेंडिंग है वो हो जाता है, जिसके हायर प्रोबेबिलिटी भी लग रही है, तो 52,500 एक रियलिस्टिक टारगेट है जो हम देख सकते हैं। और उसका ब्रेकआउट 110% न्यू ऑल टाइम हाईज बैंक निफ्टी के लिए लाएगा। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था जो अच्छा है। अब लेवल्स की तरफ चलते हैं। लेवल्स में सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ये जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं ये स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं हैं। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप आइदर फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में किसी में भी ट्रेड ले सकते हो। जब आप ऑप्शंस में ट्रेड लेते हो तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन से स्ट्राइक ले, कई बार कन्फ्यूजन होता है। तो जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हो या उसके बाद वाली जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। और अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो देख रहा है और उसे 13 ईएमए क्या होता है, डेल्टा क्या होता है नहीं पता, तो ऑलरेडी हम इन दोनों टॉपिक्स पर डिटेल एंड सिम्प्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। निफ्टी का सपोर्ट है 25,250 पे, 25,000 से 25,089 का जोन और 24,750 रेसिस्टेंस है। 400 का एक जोन आ रहा है, देन 500 एंड देन 750 का जोन। ऑप्शन सेलर 26 के ऊपर, ऑप्शन पुट सेलर 24,500 के नीचे रह सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन अगले वीक कर सकते हो। ये लेवल की हेल्प से आप ट्रेड पूरे वीक कर सकते हो, तो लेवल पूरे वीक वैलिड है। एक बार बेटर विजुलाइजेशन के हम लोग चार्ट में देख लेते हैं, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड डिस्कस कर रहे हैं तो 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। मैं आपको मंडे गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट में हम कैसे डील करेंगे वो बता रहा हूँ, बाकी ये लेवल्स आप पूरे वीक यूटिलाइज कर पाओगे। तो अगर लेट से मार्केट मंडे को गैप अप ओपन होती है तो 400 से 430 का एक जोन आ रहा है, इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 500 एंड 600 विल बी अवर टारगेट्स। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो 250 हमारा फर्स्ट और 150 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। इस एनालिसिस में आप ओआई के डाटा को और एड ऑन कर सकते हो अपनी कन्विक्शंस को एनहांस करने के लिए। ये बात भी एंट्री कब लेनी है, टारगेट क्या होगा। अब अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो स्टॉप लॉस हमारा, क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं तो इसके इतने पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में ये हो जाएगा। ट्रेड हमें अल्टीमेटली प्रीमियम के टर्म में करनी है तो आप ये कर सकते हैं।
तो ये था गैप अप का केस कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है अगले वीक तो हमें उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ जो है फ्लैट। फ्लैट का मतलब है निफ्टी क्लोज हुई है 25,356 पे, यहीं कहीं पे ओपन हो जाए। अगर ओपन होती है तो 400 से 430 का रेसिस्टेंस जोन ऊपर आ रहा है, 250 का लेवल नीचे आ रहा है, तो दो लेवल्स के बीच में ओपन होगी। जब मार्केट ऐसे ओपन होता है तो काफ़ी कंफ्यूजन होता है, पेशेंस रखना पड़ता है। किसी एक लेवल पे आए, रिवर्सल या ब्रेकआउट दे, तभी हम ट्रेड ले सकते हैं। लास्ट है गैप डाउन, कि गैप डाउन के केस को ऐसे डील करना है। गैप डाउन के केस में जो लेवल आ रहा है 250 का लेवल आ रहा है, नो डाउट, जिसे निफ्टी ने गेन किया है थर्सडे को, तो इसके नीचे ऊपर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट देने वाली पुट ले सकते हैं। टारगेट हमारा 150 और एक 225,000 का जोन आ रहा है वो हो जाएगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट देने वाली कॉल ले सकते हैं। टारगेट 400 का जोन और 500 हो जाएगा। तो ये था कि निफ्टी अगर अगले वीक गैप अप गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो तो उसे कैसे डील करना है। बाकी लेवल्स आप अगले पूरे वीक यूटिलाइज कर सकते हो। बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 51, 51,250 से 319 का जोन और 51.5, असिस्टेंस है 52, 52.5 एंड 52,900 से 52,000 का जोन। आप बायर हो गए या सेलर हो गए, दोनों के लेवल्स आपके स्क्रीन पे रहे। बेटर विजुलाइजेशन के लिए एक बार चार्ट देख लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो तीन टाइप की ओपनिंग पॉसिबल है, गैप अप गैप डाउन या फ्लैट। गैप अप के केस से स्टार्ट कर लेते हैं। गैप अप में तो अल्टीमेटली 52,000 का लेवल ही आ रहा है, इसके नीचे ऊपर कहीं भी क्लोज ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं 52,250 या 52,400 हमारा टारगेट हो जाएंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। टारगेट हमारा 750 और 600 हो जाएगा। ये था कि एंट्री कहाँ पे करें, टारगेट्स क्या होंगे। स्टॉप लॉस के लिए आप ये कॉल के केस में आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये पुट के केस में हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म की अगर हम बात करें तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो एक था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ। फ्लैट का मतलब है कि बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 938 पे, यहीं कहीं ओपन हो जाना। अगर यहीं पे ओपन होती है तो 52,000 का लेवल नीचे आ रहा है, 750 का नीचे आ रहा है, दोनों के बीच में ओपन होगी। ऐसे केस में आइदर ब्रेकआउट या रिवर्सल का हमें वेट करना पड़ेगा। अगर कोई भी होता है तो ही हम ट्रेड ले पाएंगे। लास्ट केस है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है 750 का लेवल आ रहा है, इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। टारगेट हमारा 500 और 600 हो जाए, 400 हो जाएगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। टारगेट 52 और 52,100 हो जाएगा। तो ये था कि अगर अगले वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन कुछ भी ओपन हो तो कैसे डील करें। लास्ट है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 891 से 900 का जोन, 690 से 750 का जोन और 500। रेजिस्टेंस है 24,000 का जोन, 24,250 एंड 500। तो ये था हमारे नेक्स्ट वीक के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विच के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लॉजिक के साथ करें। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, किसी टेलीग्राम चैनल टिप्स के भरोसे ना रहें। तो एंड करते हैं, थैंक यू।